गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग भावी वर के बारे में पूछताछ इंक्वायरी अबाउट ए वुड बी ब्राइड ग्रूम यानी होने वाला वर के संबंध में कैसे पूछताछ की जाती है उस संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें दो पात्र बनाए गए हैं, मिस्टर लाल और मिस्टर पाल। मिस्टर पाल को अपने लड़की की सगाई करनी है। एक ऐसे परिवार के अंतर्गत जो मिस्टर लाल के पड़ोस में रहते हैं। मिस्टर पाल और मिस्टर लाल दोनों पहले से परिचित हैं, एक तरह से मित्र हैं। अचानक मिस्टर पाल मिस्टर लाल के घर पहुंचते हैं। मिस्टर लाल उनका आवभगत करते हैं, पूछते हैं, मिस्टर पाल आने का कारण बताते हैं, पर्पस क्या है। पड़ोस में एक मिस्टर शर्मा नाम का परिवार रहता है, उनका एक लड़का है, उसी की के संबंध में पूछताछ करने के लिए मिस्टर पाल आए हुए। चाय पानी के बाद बातचीत शुरू होती है। सबसे बड़ा लड़का है मिस्टर कौशल, उसके विषय में पूछताछ ये करते हैं मिस्टर पाल। वह इंजीनियरिंग पास है और खेतरी ताम्र परियोजना खेतरी नगर के अंतर्गत वह इंगेज है, अच्छा खासा तनख्वाह पाता है। उसके बाद वाले लड़के के विषय में पूछताछ इसके पहले वाले वीडियो में करते हैं तो पता ही चलता है वो मोटर पार्ट्स का बिजनेस किए हुए। और सबसे लास्ट पुत्र के विषय में इस वीडियो से बातचीत शुरू हो रही है, सबसे लास्ट वाला पुत्र और उसकी बहन, इसलिए वह तीन भाई और बहन है। तो वहीं से इसकी शुरुआत हो रही है, बाकी इसके पहले वाले इसके पहले वीडियोस के अंतर्गत बताए जा चुके हैं। मिस्टर पाल कहते हैं क्या सबसे छोटा भाई कोई काम धंधा ढूंढ रहा है। इसके पहले आया हुआ था कि बड़ा वाला क्या करता है, तो नौकरी करता है गवर्नमेंट सर्वेंट, पिताजी रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। दूसरा वाला मोटर पार्ट्स की बिजनेस किए हुए और तीसरा वाला बेकार है, तो उसी के संबंध में बात चल रही है क्या सबसे छोटा भाई कोई काम धंधा ढूंढ रहा है। ए द यंगेस्ट ब्रदर लुकिंग आउट फॉर ए जॉब, इज द यंगेस्ट ब्रदर लुकिंग आउट फॉर ए जॉब। मिस्टर लाल कहते हैं हाँ तलाश में है, यस ही इज। मिस्टर लाल कहते हैं हाँ वह काम की तलाश में है, यस ही इज इन सर्च ऑफ फॉर ए जॉब। मिस्टर पाल कोई जायदाद इत्यादि, अब बाकी संपत्ति पर बात आती है, परिवार के लोगों के विषय में बातचीत हो गई। अब पूछते हैं कि कोई जायदाद इत्यादि डू दे है एनी प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। मिस्टर पाल पूछते हैं कि कोई जायदाद इत्यादि है, संपत्ति इत्यादि है, एज दे है, डू दे है एनी प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, Do they have any property etc. मिस्टर लाल हाँ गुड़गांव में एक बहुमंजिली इमारत है और किसी निकट के गांव में लगभग 30 बीघा कृषि भूमि है। मिस्टर लाल कहते हैं हाँ गुड़गांव में एक बहुमंजिली इमारत है, यस ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एट गुड़गांव, हाँ गुड़गांव में एक बहुमंजिली इमारत है, यस ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एट गुड़गांव और किसी निकट के गांव में लगभग 30 बीघा कृषि भूमि है एंड अबाउट 30 बीघा एग्रीकल्चरल लैंड एंड अबाउट 30 बीघा एग्रीकल्चरल लैंड इन ए विलेज नियर बाय। मिस्टर लाल बताते हैं कि हाँ गुड़गांव में एक बहुमंजिली इमारत है प्रॉपर्टी के नाम पर और किसी निकट के गांव में लगभग 30 बीघा कृषि भूमि भी है, यस ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एट गुड़गांव एंड अबाउट 30 बीघा
एग्रीकल्चर लैंड इन ए विलेज नियर बाय नजदीक के किसी गांव में। मिस्टर लाल कहते हैं आपने उसकी बहन के बारे में तो कुछ नहीं बताया। मिस्टर लाल फिर पूछते हैं कि आपने उसकी बहन के बारे में तो कुछ नहीं बताया। यू हैवंट टोल्ड मी एनीथिंग अबाउट हिज सिस्टर। आपने तो उसकी बहन के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। यू हैवंट टोल्ड मी एनीथिंग अबाउट हिज सिस्टर। यू हैवंट टोल्ड मी एनीथिंग अबाउट हिज सिस्टर। मिस्टर लाल कहते हैं वह एक धनी परिवार में ब्याही हुई। मिस्टर लाल जवाब देते हैं कि लड़के की बहन एक धनी परिवार में ब्याही हुई है, लेकिन अपने बिरादरी में नहीं। वह एक धनी परिवार में ब्याही हुई है लेकिन अपने परिवार में, अपने बिरादरी में नहीं। She is married into a well-to-do family, धनी परिवार। She is married into a well-to-do family, but आउटसाइड देयर कम्युनिटी। मिस्टर लाल जवाब देते हैं कि वह एक धनी परिवार में ब्याही हुई है, यानी उसकी बहन एक धनी परिवार में उसकी शादी हुई है लेकिन अपनी बिरादरी में नहीं हुई है। शी इज मैरिड इन टू ए वेल टू डू फैमिली। शी इज मैरिड इन टू ए वेल टू डू फैमिली बट आउटसाइड देयर कम्युनिटी, लेकिन अपनी बिरादरी में नहीं। बट आउटसाइड देयर कम्युनिटी टोटल हो गया शी इज मैरिड इन टू ए वेल टू डू फैमिली बट आउटसाइड देयर कम्युनिटी। मिस्टर पाल कहते हैं मैं इन बातों की परवाह नहीं करता। मैं इन बातों की परवाह नहीं करता। मैं स्वयं अंतरजातीय विवाह में विश्वास करता हूं। मैं इन बातों की परवाह नहीं करता। मैं स्वयं अंतरजातीय विवाह में विश्वास करता हूं। आई एम नॉट बादर्ड अबाउट दैट। मैं इन बातों की परवाह नहीं करता। आई एम नॉट बादर्ड अबाउट दैट। मैं स्वयं अंतरजातीय विवाह में विश्वास करता हूं। आई ऑल्सो बिलीव इन इंटरकास्ट मैरिजेस। आई ऑल्सो बिलीव इन इंटरकास्ट मैरिजेस। मिस्टर लाल और कोई पूछने लायक बात। मिस्टर लाल कहते हैं और कोई पूछने लायक बात। एनीथिंग एल्स यू विश टू आस्क। मिस्टर लाल और कोई पूछने लायक बात। एनीथिंग एल्स यू विश टू आस्क। मिस्टर पाल ने इस प्रकार की सूचना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर पाल ने इस प्रकार की सूचना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नो थैंक्स फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। जब मिस्टर लाल पूछते हैं और कोई पूछने लायक बात हो तो पूछ लीजिए। Anything else you wish to ask? Anything else you wish to ask? Mr. Paul कहते नहीं इस प्रकार की सूचना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। No, thanks for your kind information. No, thanks for your kind information. Mr. Lal कहते हैं अब आपकी राय क्या है? What do you think about engagement? आपकी राय क्या है? मतलब इतना पता लगाने के बाद आपने क्या निर्णय लिया है? What do you think about engagement? What do you think about engagement? Mr. Paul कहते हैं मुझे तो पसंद है पर घर पर सलाह देकर अंतिम निर्णय लूंगा। मुझे तो पसंद है I like, मुझे तो पसंद है आई लाइक, बट आई शुड टेक एडवाइस बिफोर टेकिंग फाइनल डिसीजन।
घर पर सलाह लेकर अंतिम निर्णय लूंगा। कहते हैं मुझे तो पसंद है, आई लाइक, मुझे तो पसंद है, बट आई थिंक आई शुड टेक एडवाइस बिफोर टेकिंग फाइनल डिसीजन। अंतिम निर्णय करने के पहले हमें सलाह ले लेनी चाहिए। आई शुड टेक एडवाइस बिफोर टेकिंग फाइनल डिसीजन। अब इसमें टेकिंग एडवाइस आप फैमिली भी लिख सकते हैं, आप फैमिली, आई शुड टेक एडवाइस ऑफ फैमिली बिफोर टेकिंग फाइनल डिसीजन। मिस्टर लाल कहते हैं ठीक है, मेरे लायक और कोई सेवा। मिस्टर लाल कहते हैं ठीक है, वेल एनीथिंग एल्स दैट यू आई कैन डू फॉर यू। मिस्टर लाल कहते हैं ठीक है, मेरे लायक और कोई सेवा। वेल या दैट इज राइट, सही है, मेरे लायक और कोई सेवा। एनीथिंग एल्स दैट आई कैन डू फॉर यू। मिस्टर पाल कहते हैं धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर पाल कहते हैं थैंक यू वेरी मच। इस तरह से आप देख रहे हैं कि लगभग 2-3 वीडियोस में लगातार भावी वर के बारे में कैसे पूछताछ की जाती है, इंक्वायरी कैसे की जाती है, मिस्टर लाल और मिस्टर पाल कैसे वुड बी ब्राइड ग्रूम होने वाले वर के विषय में पूछताछ करते हैं, इस संबंध में वाक्यों का निर्माण करके आपके सामने वीडियोज रखे गए। ऐसे वीडियोज को आपको अभ्यास करना चाहिए, इसलिए कि सबसे जरूरी बात यह है कि हम जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही हम सफल होंगे। थैंक यू।